कि हम बुआ के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी ट्रेन है 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास। कौन कौन जा रहा है? हम ही लोग सारे ना। कि पहले भाई के घर जाएंगे, बट हम लोग पहले यहाँ तो बुआ के घर नहीं गए, पहले हम लोग हॉस्पिटल आ गए। बुआ का टाका खट जाएगा। अभी हम लोग बुआ के घर गए थे, वहाँ चाय वाय पिए और वहाँ से अभी निकल गए। हम लोग निकल गए गंगा घूमने। मस्त हवा चल रही है, मस्त, बहुत ज्यादा अच्छा। और उसको देखिए, वो नौका से आ रहा, वो आदमी फिर गंगा के अंदर घुस गए, मतलब रहा नहीं गया, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा पानी। जमील भी, अरे पानी मत फेंको, हमारा भी भीग जाएंगे हम। फाइनली ये नाव वाले भैया चले गए। इसका चप्पू ना बस बांस का एक डंडा है, बांस का डंडा को चप्पू बना करके जा रहा। देखिए अब डुबकी लगा, ये लगा दिए डुबकी, ये एक दो। हे गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 7:30। लिटरली आप सोच नहीं सकते कि हम 7:30 बजे सुबह उठ गए। उसके पीछे भी रीजन है कि हम बुआ के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बुआ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एडमिट हुए थे, वहाँ पे बाबू हुआ था, वही वाले हॉस्पिटल पे जा रहे हैं अभी। अभी ट्रेन है 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं, हम मस्त रेडी हो गए। ये वाला स्वेटर हम परसों खरीदे थे, इसको कल भी पहने थे, फिर कल खोल दिए थे और आज भी गंदा नहीं हुआ क्योंकि कहीं गए नहीं। अभी चलिए इसको पहन के चलते फटाफट से बुआ के साथ हॉस्पिटल। हम जा रहे हैं, संजीवा बुआ जा रही है, छोटा वाला बाबू जा रहा है और सेबी बुआ जा रही है जिसका बाबू है, और साथ में जमील भी जा रहा है। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं। और ना सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम रहता है, मतलब हम सुबह उठते नहीं है क्योंकि क्या खूबसूरत लग रहा है वहां पे सूरज है। मौसम देख सकते हैं आप, पूरा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। आय हाय हाय, सुबह उठने का तो मजा ही अलग है, बट सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि रात को ज्यादा देर तक एडिट करते हैं ना, लाइक 1 बजे 2 बजे तक सुबह उठ नहीं पाते, जिसके चक्कर में लेट हो जाता है। क्योंकि लेट से सोते हैं सुबह एडिटिंग करके, और रात में एडिटिंग करके लेट से सोते हैं, और सुबह लेट उठते हैं। और देखिए मस्त चिड़िया चिल्ला रही है, फ्लैग उड़ रहा है, क्या मौसम करता है सुबह सुबह। हाय हाय हाय, वैसे बाहर में टोटो आ गया, टाइम भी हो गया, चले निकलते। कहाँ बुआ लोग नहीं हुई तैयार अभी तक? दूध ले रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी चलते फटाफट से इसको इसको सीधा से ले। तब भी ना, कौन कौन जा रहा? हम ही लोग सारे ना। चलते तो हवा, इधर बैठेगा तो बैठ जाइए। ऐसे ऐसे झाम लेती ना, लेके ना ऐसे हो जाते, मत नहीं होता ही। चल गया अंदर, चल बाबू, चल ठीक हम है, रहे दिन कुछ ना करे हमारे। फाइनली अभी स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन पहुंचे और 4-5 मिनट वेट किए, उसके साथ में ट्रेन भी आ गई है। चले अभी चलते फटाफट से। ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं है, ना फूफा है ना कोई है, तो इस बार हम लोगों को खुद से सीट लूटना पड़ेगा। वैसे खाली रहता है सुबह सुबह ट्रेन, इतना ज्यादा कुछ भीड़ वगैरह नहीं रहता। चले चढ़ते हैं, बुआ को चढ़ाते हैं और बाबू को भी चढ़ाते हैं। फाइनली अभी पहुंच गए हम लोग जहाँ जाना था। चलिए बुआ को उठाते हैं, पूरा ट्रेन खाली हो गया, लास्ट स्टॉप यही है इसका। आप देख सकते हैं सामने इतना बड़ा इंडियन फ्लैग, मस्त उड़ रहा है, पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। हम लोग के घर तरफ इतना ठंडा नहीं, जहाँ यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। बाबू सो गई है फिर से, सोई हुई, जब से सफर कर रही तब से सो रही। अभी जा रहे हम लोग यहाँ से वो आके घर वापस से, जो पिछले बार जैसे जैसे किए थे सेम वैसे वैसे वो आके घर जाएंगे, फिर वहाँ से नाश्ता करके फिर जाएंगे हॉस्पिटल। चलते नीचे। हम लोग डिसाइड किए थे कि पहले भाई के घर जाएंगे, बट हम लोग पहले यहाँ आ गए, मतलब बुआ के घर नहीं गए, पहले हम लोग हॉस्पिटल आ गए। बुआ का टाका कट जाएगा फिर चलेंगे कहीं, अगर बुआ का टाका जल्दी कट गया तो फिर तुरंत ही हम लोग चले जाएंगे घर। तो अभी यहाँ पे चाय लेने आए और बिस्किट लेने आए हैं बुआ के लिए, और चाय हम लोग पियेंगे। तो बस अभी चाय बन रहा है, चाय और बिस्किट लेके चलते फिर अंदर हॉस्पिटल। नहीं पिएंगे, हम लोग 2 बार पी लेंगे चाय हॉस्पिटल में। चाय अभी सारा कुछ हो गया, अब हम लोग जा रहे बुआ के घर। चले अभी चलते हैं। कौन जगह था? टमटम स्टैंड। अरे टमटम स्टैंड तो यहीं पे है। कहाँ चला है? कहाँ घर उसका? हाजी भाई का रुका पूछ ले। नव भारत होल। हाँ नव भारत, वहाँ चले लेकर के भूल जाते हैं। हाँ अंदर टमटम स्टैंड यहीं पुल के पास है सामने। अभी हम लोग बुआ के घर गए थे, वहाँ चाय वाय पिए और वहाँ से अभी निकल गए। वहाँ से इसलिए निकले ना, अभी 2 बजे के आसपास ट्रेन है, बट हम लोग ट्रेन का फिक्र कर रहे बिना हम लोग निकल गए गंगा घूमने। अभी जस्ट यहीं पे सामने में गंगा है, फूफा जमील और बुआ हम लोग सबको जा रहे गंगा घूमने। चले चलते हैं, बस यही सामने, ये जो सामने वाला घर दिख रहा ना उसका पीछे साइड ही गंगा है। हाँ मेन घाट किधर है? इस साइड है ना। हाँ वही मंदिर के पास है मेन घाट। चलिए चलते अभी, गंगा सामने रहा। वैसे ना गंगा लगभग सूख गया, थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, बस यही छोटा सा है यहाँ से वहाँ, और फिर वो पूरा जो सामने का एरिया दिख रहा ना उसके पीछे साइड फिर से गंगा है। तो ये बीच का हिस्सा सूख गया, बीच में ना आइलैंड निकल गया। जो आइलैंड निकलता है इसमें पूरा खेती होता है क्योंकि ये पूरा उपजाऊ जमीन रहता है, बरसात आता है तो इसे पूरा फुल हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है पानी। हाँ बाढ़ भी आ जाता है। चले पास चलते गंगा का, गंगा का बहुत ज्यादा पास आ गए, मस्त हवा चल रही, मस्त बहुत ज्यादा अच्छा। और उसको देखिए, वो नौका से आ रहा, वो आदमी साइड से आ रहा है, एकदम उधर से इधर आ रहा है। पानी का आवाज़ सुनिए, पानी का कितना पास है। यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता है, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा, फिर भी ठंडा नहीं लग रहा। यहाँ पे लोग मछली मार रहे हैं बैठ करके, फूफा जुगाड़ लगा रहे हैं मछली मारने का, कैसे भी करके ना उससे फूफा बंसी लेने का ट्राई कर रहे हैं, मछली मारने वाला डंडा, और फिर फूफा मार करके दिखाएंगे उसको।
फूफा पिछले बार भी जब आए थे ना, एक बार हम लोग शादी में आए थे, फूफा ऐसे बच्चा लोग ऐसे जैसे मछली मार रहा ना वहाँ पे, तो वैसे बच्चा लोग से मांग लिया और उन लोग ना पकड़ नहीं पा रहा था, फूफा उन लोग को चार पांच पकड़ करके दिए थे मस्त एकदम। अभी चलते हैं नहाने के लिए, जूता खोल लेते हैं। सच में नहाइएगा ना? हाँ चलो, डूब जाएंगे तो। आता तो है नहीं तैरना, हम खाली पेट डालेंगे। पूरा ठंडा पानी है, गंगा के अंदर घुस गए मतलब रहा नहीं गया, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा पानी। आय हाय हाय जमील भी, अरे पानी मत फेंको हमारा, भी भीग जाएंगे हम, भीगना नहीं बस पेट डालना है। भूपा भी डूब गए देख, हर ना इसमें खड़ा हो सकते हैं इसमें, ये देखिए गड्ढा नहीं है, आगे से होगा शायद, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खड़ा हो रहा है क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहाता नहीं, घाट है। देखिए ये वेट कर रहा नहाने का, अब नहाएंगे ये, देखिएगा आप नीचे नहीं चल रही बस के, किसी को तैरना भी नहीं आता है, डायरेक्ट गायब हो जाएंगे। गेहूँ लगेगा उस साइड, गेहूँ लगेगा, देखिए उस साइड इनका जमीन होगा, वही गेहूँ लगाने जा रहे हैं। चप्पू तो है ही नहीं इनका, देखते अभी कैसे जाएंगे। खेल रहा पानी पटा उसने छिटे तो फिर कर लेना, ले पानी पटाया उतना तो छिटेंगे। उस साइड वो रोपा करेंगे, गेहूँ लगाएंगे, उस सारा बोरा में उसका गेहूँ है, अभी जाएंगे ये चला करके, देखते कैसे जाएंगे। वो बोल रहे कि हवा बहुत तेज चल रहा है जिसकी वजह से आगे नहीं जा पा रहे वो, देखिए उसका नाव कैसे भाग रहा है, बहुत तेज हवा है जिसके वजह से ना इसका नाव गोल गोल घूम रहा है बेचारे का, पता नहीं कैसे जाएंगे ये। फाइनली ये नाव वाले भैया चले गए, इसका चप्पू ना बस बांस का एक डंडा है, बांस का डंडा को चप्पू बना करके जा रहा है, देखिए क्या मस्त जा रहे हैं। पीछे से एक बड़ा सा नाव आ रहा है जनरेटर वाला, पूरे स्पीड में एकदम टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है, हवा इसको ठेल रहा बेचारे को, देखिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको जाना है सीधा सामने। अच्छा वो टेढ़ा रहेगा, टेढ़ा होते होते तो वहां पर, अच्छा दिमाग से जा रही है इसका दिमाग, देखिए अगर ये इधर से अगर मान लीजिए सीधा सीधा जाता, हवा ठेल करके वहाँ पहुँचा देता, वहाँ पे उतरता, पीछे से दिक्कत हो जाएगा, पीछे बांस लगा, इसलिए दिमाग लगाए इधर से ठेला, तो इधर से हवा जितना भी ठेलेगा वो कितना भी करके वहाँ पहुँचाएगा उसको, वहाँ पे जहाँ उसको जाना है, दिमाग लगा के जा रहा है। वो जा रहा है उसका साथ में, ये उसका दोस्त जा रहा है, और इधर से जनरेटर वाला आ रहा है। अभी ये दादा नहाने वाले, बहुत हिम्मत जुटाएगा इस ये ठंडा में ठंडा पानी में जाने के लिए, इसलिए तब से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी जाके ये दादा उतर रहे हैं पानी में। देखिए मछली पकड़ने वाले ये सारे मछुआरे, पता नहीं आगे शायद पकड़ेगा मछली। हाँ हाँ अब दादा में आ गया हिम्मत, उतर रही है पानी में धीरे धीरे, सारे मछुआरे जा रहे हैं, जो इधर से निकला था घाट में वहाँ जाने के लिए पहुँच भी गया। अभी डुबकी लगाने जा रही है, अब डुबकी लगाए, ये लगा दिए डुबकी, ये एक दो बहुत हिम्मत जुटा करके डूबे ये, अभी तक वहाँ तक गए फिर भी उसका कमर तक ही पानी है, और हम लोग यहाँ पे यहाँ से फिर वहाँ जाएंगे फिर कमर तक आएगा, मतलब गड्ढा नहीं है, और हम लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच गया। अब हम लोग भी चलते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया, चलिए अभी चलते घर। लास्ट टाइम गंगा हम पैर रखे थे गंगा में वाराणसी में, और उसके बाद अभी यहाँ रहे बहुत दिन के बाद, अगले बार जब बनारस में थे तब गंगा में पैर रखे थे, वही गंगा इधर से भी पार होता है। चलिए अभी चलते हम लोग वापस से बुआ का घर, फिर कुछ खा पी करके वहाँ से चलेंगे घर। अभी ट्रेन है 2:30 बस टाइम होने वाला है, 1:30 बज चुका है और अपने पास 1 घंटा प्रॉपर। चलिए अभी फटाफट से खाना खा लेते, 2 बजने वाला है, अभी ट्रेन भी है 2:30 बजे, हमको भी खट्टा डाल के एकदम चकाचक वाला बनेंगे। ट्रेन में आएंगे झालमुड़ी नहीं खाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ पानी है तो उसमें तुम खाएगा ना, गाइस अभी झालमुड़ी बन रहा है, तो गाइस अभी झालमुड़ी खाते हैं और अपने ट्रेन निकल गई है बुआ के घर से, अभी हम लोग निकल गए, अभी यहाँ से 2 घंटा लगेगा हम लोग अपना घर पहुँचाएंगे। फाइनली अभी ट्रेन से उतर गए, अब जाएंगे सीधा यहाँ से घर, और अभी बज रहा है 4:10 हो रहा है, हम 10 मिनट गए इसके, बट बहुत जल्दी पहुँच गया, ट्रेन लेट भी नहीं था एकदम मस्त परफेक्ट टाइम पे चल रहा था। बाबू सोई हुई है, सूरज ये रहा, मस्त धूप धूप मौसम है, बहुत गर्मी लग रहा है, हम स्वेटर प्लस इनर पहन लिया और ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बट चलिए अभी जल्दी चल, हाँ चलिए अब जल्दी से चलते घर। अभी हम लोग आ गए घर, क्या हो गया, टिकट छोड़ दिया था कोई? हाँ जहाँ से टिकट काटते ना वहाँ ऑलरेडी एक और टिकट वहीं पे पड़ा हुआ था, तो हम लोग के पास टोटल 5 टिकट हो गया था, वैसे हम लोग 4 कटा लिए थे, तो क्या फायदा हुआ एक का, वही है ना, हमको लगता है पे किया होगा, उसको आता नहीं होगा कैसे ही होगा, वो देखा नहीं आ रहा, सोचा होगा बाहर आएगा बाहर आएगा बाहर आएगा, वो तो वहाँ पे आता है अंदर में ट्रेन का जैसा, हाथ तो बहुत निकला, 2 टिकट निकला, हम लोग एक कटाए थे 4 वो निकला और एक एक्स्ट्रा निकला, मतलब 4 एक में था और एक एक्स्ट्रा निकल गया, 5 टिकट किधर से आ गया फिर, अरे तो पता थोड़ी ना था कि अंदर में एक और टिकट है, बाद में हाथ डाले तो दिखाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, पैसा बर्बाद करता,
चले गाइस, पैर हाथ धो लेते, फ्रेश हो जाते, फोन को भी चार्ज में लगा देते, अभी मस्त खाना पीना खा ले और अभी ब्लॉग को करते हैं। वैसे वहां से आने के बाद हम बहुत ज्यादा थक गए थे तो फिर फोन को चार्ज लगा दिया और आराम कर रहे थे, तो ब्लॉग बनाए नहीं कुछ। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जो जगह इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गरम लगा, बोलना चाहिए ना गाइस, क्या पता। छोड़ो, गरम है नहीं है।